जय भीम नमो बुद्धाय सातियो। दोस्तों, चमार जाति को ही क्यों अछूत माना जाता है? प्राचीन काल में चमारों के ऊपर न जाने कितने अत्याचार हुए। आप खुद सोचो, जिस जाति के लोगों को अछूत समझा जाता था, और अगर कोई चमार गांव के कुएं से पानी पी ले तो उची जाति के लोग न जाने उसके ऊपर कितने अत्याचार करते थे। दोस्तों, आप खुद ही सोचो, लोग कहते हैं कि भगवान सबका होता है। अगर ऐसा है तो चमार जाति को मंदिर के अंदर जाने तक की मनाही क्यों थी? क्यों ब्राह्मणों और पंडितों ने मिलकर और ऊंची जाति ने मिलकर चमारों को मंदिर आने से मना कर देते थे और मंदिर के अंदर जाने तक मनाही कर देते थे? पंडित लोगों का और ब्राह्मणों का कहना होता था कि तुम भगवान के दर्शन कर कर क्या करोगे, रहोगे तो अछूत ही ना, तो भगवान के दर्शन मंदिर के बाहर से ही करा करो। भगवान के दर्शन भी ऊंची जाति को मिलते हैं, जैसे कि हम हैं। ये सब ब्राह्मणों का कहना था। तभी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हिंदुओं के किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, क्योंकि जब मेरे देश और मेरे लोगों पर अत्याचार हो रहा था तब ये भगवान कहाँ था। इतना ही नहीं, चमार एक ऐसी जाति थी जिस जाति के ऊपर ऊंची जाति के लोग अत्याचार करते थे। ना जाने कितनी औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया। मेरा खून तो ये सब पढ़कर ही खोल जाता है। तो चमारों, तुम्हारा खून पानी है क्या? चमारों के भगवान कहे जाने वाले बाबा साहब ना होते तो आज शायद इस चमार जाति का नाम और निशान भी ना होता। ना तो इतिहास के पन्नों में इसकी कोई बात मिलती और ना ही ग्रंथ में। तो दोस्तों, बाबा साहब की ये वाली जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चमार जाति के बारे में आपकी क्या राय है ये भी मुझे बताएं। जय भीम।